राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की। राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की कुशलता की कामना करते हुए आज हम फिर से एक बार बहुत अच्छी, बहुत ही उत्तम, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। और आप लोग ना सोने से पहले इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपके बहुत काम आएगी ये वीडियो। तो आज की ये जो वीडियो है ये हमारे भगवान के उन उपासक जो भक्त हैं भगवान के, उनके लिए है जो चाहते हैं कि हम कोई भी मौका ना छोड़ें अपने भगवान को मनाने का, अपने भगवान को प्रसन्न करने का, उनकी कृपा पात्र बनने का। तो सबसे पहले आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई नई वीडियोज़ का। और कॉमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा। मैं खुशी में बोल रही हूँ ना कि आपको इतनी अच्छी वीडियो बताने जा रही हूँ, तो इस चक्कर मेरे शब्द कुछ गलत हो रहे हैं तो क्षमा कीजिए, ध्यान मत दीजिए। तो हर हर महादेव लिखिएगा, अवश्य कुछ भी लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। तो चलिए देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की ये वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्तिक स्नान का अपना एक अलग ही महत्व होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये महीना होता है, पावन और पवित्र। भगवान विष्णु के प्रति, माता तुलसी के प्रति श्रद्धा दर्शाने का, अपनी भक्ति दर्शाने का एक अनुपम, एक अप्रतिम पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है कार्तिक का। देखिए वैसे तो कार्तिक का महीना परसों से यानी 29 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है, किंतु जो कार्तिक स्नान होता है, जी हाँ हम कार्तिक स्नान के विषय में ही बात करने वाले हैं। तो कार्तिक स्नान कल से प्रारंभ हो जाएगा, शरद पूर्णिमा से यानी आश्विन मास की पूर्णिमा से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। तो कल शरद पूर्णिमा है 28 अक्टूबर 2023 की, तो कल से यानी आज रात को जब आप सोओगे और सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है और तुलसी माता की सेवा, सूर्य भगवान को जल, नारायण की सेवा, शालिग्राम भगवान की सेवा, भोले बाबा के मंदिर में जाके अभिषेक करना, प्रभात फेरियों में शामिल होना, भगवान का भजन करना, गीता का पाठ करना, रामायण जी का पाठ करना, बहुत सारे नियम और उपाय हैं और विशेष उपाय है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और दीप दान करना। ये जो कार्तिक का महीना होता है इसी महीने में देव दीपावली होती है, आप सभी जानते होंगे, और बहुत ही सुंदर महीना होता है। यदि जीवन में बहुत अधिक कष्ट हैं, शरीर में रोग हैं, मन में अवसाद है, मन परेशान है, अपनों का बिछोह है जो जीने नहीं देता, जीवन तकलीफ़ों से भरा है, और नहीं भी भरा है, यदि आपके जीवन में सुख शांति भी है तो भी आप इन उपायों के करें, उपायों को अवश्य करें, कार्तिक महीने का लाभ अवश्य उठाएं। तो कल यानी 28 अक्टूबर 2023 से हमारे भगवान के जो सभी भक्त हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान करेंगे, और जिनके शहर में, जिनके घरों के आसपास नदी सरोवर हैं वो उनमें स्नान करेंगे, दीपदान आदि करेंगे, तो उन्हें बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। देखिए जीवन है ये, किसी के जीवन में बहुत अधिक कष्ट है तो किसी का जीवन बहुत सरल है, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि जब हम झाँकते हैं ना किसी के जीवन के अंदर, तब हमें समझ आता है कि नहीं, हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के दुख से पीड़ित है, किसी न किसी कष्ट से पीड़ित है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। आजकल बच्चों पर भी पढ़ाई का इतना अधिक बोझ है कि वो भी बेचारे परेशान रहते हैं कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, ये पढ़ाई करनी, वो पढ़ाई करनी है। देखिए हम मेहनत करते हैं, मेहनत का फल हमें कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है, मेहनत सभी करते हैं अपने अपनी मंजिल को पाने के लिए, किंतु भगवान के आशीर्वाद के बिना, कहते हैं ना बड़े के, जो बड़े होते हमारे उनके आशीर्वाद के बिना, जैसे कोई भी कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती वैसे ही भगवान के आशीर्वाद के बिना भी हमें सफलता नहीं मिलती है। तो बहुत अधिक इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधे बात अपने करते हैं जो हमारे काम की बात है। तो कार्तिक स्नान प्रारंभ हो रहा है, देखिए 28 अक्टूबर 2023 से, और जो भी भक्त हैं भगवान के जो ये करना चाहते हैं वो 28 अक्टूबर का दिन याद रखें। देखिए अब जो सुबह होगी तो 28 अक्टूबर की सुबह होगी, कार्तिक स्नान करने का जो समय होगा वो आप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। अब हम बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त किस समय होता है ना, तो ये अवधि होती है करीब 3:30 बजे से लेकर
5:30 बजे के बीच में जो ये समय होता है इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अब आप 3 बजे मत उठिएगा ना 3:30 बजे, हम आपसे कहेंगे आप 4 से 4:30 के बीच में उठ जाइए, है ना। और एक बहुत बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए यदि आपका स्वास्थ्य इस लायक है कि आप कर सकते हैं तो कीजिए, वरना आप 6 बजे उठ के 6:30 बजे उठ के आराम से स्नान कीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप वो कीजिए जो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिए जो आपकी क्षमता से अधिक हो और आपको बहुत अधिक तकलीफ़ हो जाए, फिर जो आप कर रहे हैं वो भी ना कर पाए, है ना। तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही करें। किंतु जिन लोगों को बहुत अधिक आलस आता है, आलस की वजह से वो सोचते नहीं हमारी नींद पूरी नहीं हो पाएगी, हम कैसे करेंगे वो, देखिए उनके लिए ये नियम नहीं है, उनको तो करना ही चाहिए। जब ये कैसा मनुष्य का जीवन भगवान ने हमें दिया है तो इस शरीर का हमें ध्यान तो रखना है, किंतु इतना भी इसको क्या आलसी बनाना कि इसके रहते हम कोई अच्छा काम ना करें, है ना। तो बहुत सुंदर महीना है कार्तिक के महीने का, पुराणों में बखान है, वेदों में बखान है, हम किस शास्त्रों में इतना बखान है, बहुत अधिक महत्व होता है इस कार्तिक के महीने का। तो सबसे पहला काम यही करना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और 4:30 से 5 तक तो उठ ही जाइए, 5:30 से पहले आप स्नान कर लीजिए, इससे अधिक देर मत कीजिएगा। और जो लोग रोगी हैं, जिन लोगों को कष्ट है, जो परेशान हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, वो अपना उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे पहले तो आपको उठ के अपने घर में थोड़ी सी सफाई करना आवश्यक है। सबसे पहले क्या है, जहाँ आप फ्लैट में रहते हैं, घर में रहते हैं, जैसी भी जगह रहते हो, अपने दरवाज़ा जो आपका मेन डोर है उसके आगे थोड़ी सी झाड़ू लगाइए, जल के छींटे दीजिए, ठीक है। और इसके अतिरिक्त तो उसके बाद आप बालकनी जो होती हैं बालकनी में झाड़ू लगाइए, जिसके यहाँ आंगन है वो आंगन में झाड़ू लगा सकता है, आंगन में जल के छींटे दे सकता है। इसके बाद जहाँ सब लोग सो रहे हैं उन रूम को छोड़ दीजिए और रसोई घर में झाड़ू इत्यादि लगाइए। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थान है वहाँ आपको सफाई करनी है, जैसा आपको ठीक हो, आप नहा के करते हो तो उस प्रकार से करें, बिना नहाए करते हो तो आप उस प्रकार से करें, लेकिन आपको वॉशरूम जाने से पहले भगवान के इधर की सफाई करनी चाहिए, है ना। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि शौच आदि से निवृत्त होने के बाद सीधे स्नान करना चाहिए और मंदिर की सफाई आपको या तो नहाकर करनी या तो सोके उठने के बाद करनी है, ठीक है। इस प्रकार से करने के बाद आप स्नान करेंगे, स्नान करके, क्योंकि जो लोग गर्म पानी से स्नान करेंगे वो अपने ऊपर थोड़े से छींटे दें गंगा जल के, और जो लोग जो ताज़ा ताज़ा जल आता है उससे स्नान करेंगे तो वो उसमें गंगा जल को मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करना है, भगवान नारायण को तो पीले वस्त्र ही पसंद है, अगर आप पीले पहनना चाहें तो पीले पहने, लाल पहने, गुलाबी पहने, जो चाहें पहन सकते हैं। कल पहला दिन है तो काले और नीले वस्त्रों का प्रयोग ना करें। इसके बाद में आप सबसे पहले देखिए, वैसे तो सूर्य भगवान को जल दिया जाता है, किंतु आप यहाँ पर तुलसी माता को सबसे पहले जल दीजिए। तुलसी माता को आपको जल देना है और जल देने के बाद तुलसी माता को आप भोग लगाना चाहते हैं वो अर्पण कीजिए, और अंधेरे में ही एक दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिए। अंधेरा होने पर ही, जब सुबह हो उससे पहले आप तुलसी माता में दीप प्रज्वलित कर दीजिए, धूप दिखाइए। दीप को बिल्कुल तुलसी माता के गमले में चिपका के मत रखिए, थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए, नहीं तो पत्ते मुरझा जाते हैं, इस बात का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही सूर्य नारायण आते हैं आप सूर्य नारायण को जल चढ़ा सकते हैं, और यदि आप तुलसी माता से पहले सूर्य नारायण को जल देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप उनकी भावना करके, सूर्य भगवान की भावना करके उनको जल अर्पित कीजिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। अगर इसके अतिरिक्त आपके यहाँ बेलपत्र का पेड़ है, आपके यहाँ आंवले का पेड़ है, केले का पेड़ है, तो आप सारे पेड़ों के नीचे दीपदान अवश्य कीजिए। हम तो कहेंगे देखिए सुबह भी कीजिए और शाम को भी कीजिए, हम हमेशा आपसे एक बात कहते हैं, जो हम स्वयं करते हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारे पास जो भी पौधे हैं हम सुबह भी दीपदान वहाँ पर करते हैं और शाम को भी, और हम पूरे 12 महीने ऐसा करते हैं। वो अलग बात होती है कि जैसे हम 2 दीप प्रज्वलित करते हैं, एक बेलपत्र का और केला और तुलसी माता का एक ही दीप प्रज्वलित करते हैं, किंतु ये जो कार्तिक का महीना होता है, माघ का महीना होता है, इसमें हम तुलसी माता का सेपरेट दिया अलग जलाते हैं। इसके बाद आप तुलसी चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, तुलसी माता की आरती भी कर सकते हैं। समय कम है तो तुलसी माता की आरती आप शाम को गा लीजिए, लेकिन चालीसा आपको मॉर्निंग में करना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने मंदिर में। मंदिर में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना है, भूलना नहीं है। उसके बाद आप अपने गुरु की वंदना कीजिए, यदि आपके गुरु हैं, और गुरु नहीं है तो किसी भी भगवान को या किसी भी जिनको आप मानते हो उनको मन में गुरु बना लीजिए, अपने मानसिक रूप से उन्हें गुरु बनाकर और
उनका उनकी वंदना अवश्य कीजिए। इसके बाद अपनी पूजा प्रारंभ कीजिए। लड्डू गोपाल शालिग्राम जी रखे हुए हैं तो उनकी पूजा आपको गणेश जी के बाद सबसे पहले करनी है। उसके बाद आप अपनी डेली रूटीन की पूजा अर्चना कीजिए। मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसके बाद मंदिर जा सकते हैं। पीपल की पूजा बहुत ही शुभ होती है, बहुत सुंदर होती है। हम अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं, जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाता है। कल पहला दिन है तो पहले दिन आपको जो भी सुविधा अनुसार आपकी जो सही लगे आपको वो कीजिएगा। हम बता आपको बहुत सारी बातें रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप शालिग्राम भगवान को अगर चाहें तो कच्चा दूध और पानी यानी जल मिलाकर आप उनको स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। और आपने संकल्प ले लीजिए कल से कि आप पूरे कार्तिक महीने दीपदान करेंगे और जल चढ़ाएंगे आपके, और आप भगवान से साथ में एक प्रार्थना, जब भी आप किसी बात का संकल्प लेना एक प्रार्थना अवश्य किया कीजिए कि भगवान संकल्प तो हम ले रहे हैं लेकिन ये पूरा आपको ही कराना है। तो हमारा जो ये संकल्प है, जो हम ये करना चाहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और अंत में क्षमा प्रार्थना आपको करनी है, ठीक है। इस और संकल्प के लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन मत कीजिए। आप सीधी सरल भाषा में, जैसे एक सरल सा सीधा सा भक्त होता है ना, वो भगवान को सबसे प्रिय होता है। संस्कृत जरूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा नियम जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा, आपकी भाव, आपकी शुद्धता विचारों की, आपके मन की स्वच्छता, आपके तन की स्वच्छता और उस जगह की स्वच्छता, ये सारी बातें बहुत आवश्यक होती हैं। अपने सरल से शब्दों में कि हम हैं और हम आपके भक्त हैं भगवान, और हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। आपसे विनती है कि हमें पूरे महीने अपनी पूजा करने का, अपनी सेवा करने का कि आज्ञा प्रदान करें। हमारा ये संकल्प पूरा हो, हम लेना चाहते हैं, इसमें कोई बाधा ना आए। बहुत सरल भाषा में आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। और जो लोग ज्ञानी हैं, संस्कृत में संकल्प लेना आता है, जिनको पूर्ण विधान से संकल्प लेना आता है, वो उस प्रकार से कर सकते हैं। और हाथ में आपको फूल अक्षत और एक क्वाइन लेना है, बस आपकी पूजा प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप कल का दिन अपना शुरू कीजिए। अब हम बात करते हैं जो बहनें हमारी मासिक धर्म जिनका आ गया हो कल के दिन, और जो सोच विचार में लगी हो कि हम क्या करें, कि अब तो हमारा पीरियड आ गया, हम किस प्रकार से कल स्नान करेंगे, पूजा करेंगे। तो देखिए, कोई चिंता की बात नहीं है, आप उठिए, उठकर अपने स्नान कीजिए, झाड़ू आदि जो भी लगाते हैं करने के बाद। किंतु आप पूजा वाले स्थान पर ना कोई सफाई कीजिए, ना ही भगवान को स्पर्श कीजिए। आप स्नान कीजिए और मन से भगवान से बोल दीजिए कि आपको स्नान करना है कार्तिक में, और पूरे महीने आपको पूजा पाठ करनी है। किंतु जब तक आप शुद्ध ना हो जाएं, जब तक आपका पीरियड ठीक ना हो जाए, तब तक आप पूजा पाठ के सामान को ना छुएं और ना ही भगवान को छुएं, लेकिन आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हम आपको बताना चाहते थे। और कल चंद्र ग्रहण है, जिसकी जानकारी हम अपनी वीडियो में पूर्ण रूप से दे चुके हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और दीपदान का विशेष महत्व ध्यान रखिए। और मैं तो यही कहूँगी आपसे कि आप सुबह शाम दोनों समय दीपदान कीजिए। यदि आपके पास देसी घी गाय का नहीं तो आप भैंस के घी से कीजिए, वो भी नहीं है तो आप तिल के तेल से कीजिए, और तिल का तेल तो होगा ही नहीं, तो देख लीजिए आप जैसी भी आपको सुविधा हो। कुछ नहीं, एक बाती डुबोकर और प्रज्वलित करके रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, बस भगवान सब जानते हैं। और वो ऐसा करेंगे ना चमत्कार भगवान, कि आपके पास इतना घी होगा कि आप खूब देर तक अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। भगवान इतना आशीर्वाद देते हैं अपने भक्तों को, आप करके देखिए। जब आपको पहले दिन थोड़ा सा कष्ट होगा, देखिए हम जानते हैं पहले दिन आपको थोड़े से कष्ट का अनुभव होगा कि हम पूरे महीने कैसे कर पाएंगे, ये कमी है या हमारे शरीर में ये परेशानी है, आलस है, जो भी है। किंतु जब आप प्रारंभ करेंगे ना, तो जो ऊर्जा आपको मिलेगी, जो शक्ति का संचार होगा, जो आपका ऑरा पूरा बनेगा, आप मतलब सोच भी नहीं पाएंगे कि आपका मन स्वयं ही प्रसन्न रहने लगेगा, आपकी आधी बीमारी दूर हो जाएगी, आपके कष्ट दूर होने लगेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शक्तिशाली ये महीना है, आप करके देखिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए निरंतर, और फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। तुलसी की माला अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रुद्राक्ष की जो माला होती है उस पर हम किसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारी के साथ बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलेंगे। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।